तो हेलो एवरीवन, तो दिस इज वन टर्म दैट इज द कंटिजेंट लाइबिलिटी। वो बहुत सारे फाइनेंस प्रोफेशनल हैं जो अगर उनको कुछ कोई बोलता है कि क्या तुम कंटिजेंट लाइबिलिटी डिफाइन कर सकते हो, तो वो गलती करते हैं। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी बोल देते हैं कि कंटिजेंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी। तो अगर पॉसिबल चीज़ क्या है, कंटिजेंट लाइबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कंटिजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। द टर्म इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो ऑब्लिगेशन जो अभी आने वाली है, मतलब मे बी है कि वो आ सकती है और नहीं भी आ सकती, दैट इज द पॉसिबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो कोई पास्ट इवेंट, तो कि तुमने पीछे कुछ ऐसा किया था बैक ईयर्स में जिसके कारण वो ऑब्लिगेशन आ सकती है और जिससे तुम्हारा क्या होगा, कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो हो सकता है, मतलब पैसे जाने के चांसेस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटी।